बैंकिंग का नाम आते ही लाखों करोड़ों रुपए के लेन देन का फोटो सामने आता है, लेकिन छत्रीपुरा थाना परिसर में संचालित चिल्ड्रन बैंक अपने आप में अनूठा है। यहाँ छोटे बच्चे 2-4 रुपए जैसी बचत की राशि जमा करवाते हैं। घर का सामान खरीदने के बाद बची फुटकर रकम को वो चॉकलेट और बिस्किट पर खर्च करने के बजाय बच्चे उन्हें अपने खाते में जमा करवा देती हैं। इन बच्चों को जरूरत होने पर 500 रुपए तक का लोन भी बैंक से मिल जाता है। संजीवनी बाल मित्र केंद्र द्वारा छत्रीपुरा थाने में चिल्ड्रन बैंक शुरू किया गया है। चिल्ड्रन बैंक की शुरुआत 2016 में हुई थी, लेकिन अब इससे 150 से ज्यादा बच्चे जुड़ गए हैं। थाने के आसपास रहने वाले कमजोर तबके के 14 वर्ष तक के बच्चे इस बैंक के खाता धारक हैं। जिले में ऐसी पहली बच्चों की बैंक संचालित है जिसे पुलिस विभाग की निगरानी में चलाया जा रहा है, जो जरूरत पड़ने पर बच्चों को लोन दिलवाने में मदद करती है। मेरा नाम मुस्कान है, यहाँ मैं पढ़ने भी आती हूँ और यहाँ पे चिल्ड्रन बैंक का नाम भी है और मैंने आज 10 रुपए बैंक में जमा करे हैं, आज तक के मेरे 100 रुपए पूरे हैं। मेरा नाम रामदेव है, मैं यहाँ पढ़ने आता हूँ चिल्ड्रन बैंक में। मेरे मम्मी पापा 1-2 रुपए देते तो यहाँ डालता हूँ, और जब मेरे मम्मी के लिए कुछ सामान ले आ लेता तो यहाँ से ले लेता हूँ। मेरा नाम अनिकेत है, मेरा सरनेम कदम है, मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ और मैं यहाँ रोज पढ़ने आता हूँ। मेरे पापा मम्मी 1-2 रुपए देते हैं, बच जाते हैं। तो मैं कोचिंग पढ़ने आता हूँ ना, तो पूजा दीदी को 5 रुपए दे देता हूँ। वही प्रधान आरक्षक और संजीवनी केंद्र के संजय सिंह कहते हैं कि हमारा मुख्य मकसद बच्चों को खराब माहौल से बाहर निकालकर उनके दिमाग को शुद्ध करना है। बच्चे का मन शुद्ध होने पर उसके विचार और काम अपने आप अच्छे होने लगते हैं। सही रास्तों से भी हम अपनी आवश्यकता का पैसा कहीं से ले सकते हैं, और जो है हमारे पास पैसा आए तो उसे हम धीरे धीरे चुकता कर सकते हैं। ऐसी भावना इन बच्चों में हम विकसित करने के लिए एक अभिनव पहल है ये, और इसमें बच्चे बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, 1-1, 2-2 रुपये बचा करके बैंक में जमा करते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर बच्चे लेते भी हैं। उसके 1-2 उदाहरण भी है। अभी पिछले रक्षाबंधन पे एक बच्ची ने अपनी मदर की साड़ी खरीदने के लिए 500 रुपये का लोन लिया था, एक बच्चे ने अपने जूते खरीदने के लिए, एक बच्चे ने अपनी बीमार माँ के लिए दवाइयाँ खरीदने के लिए भी हमसे 500 रुपये का लोन लिया था, और लोन चुकाने की भी कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। बच्चे बड़ी आसानी से 1-1, 2-2 रुपया करके जमा कर सकते हैं, उसके लिए कोई इंस्टॉलमेंट नहीं, कोई ब्याज नहीं, कोई कुछ नहीं। यदि उनके पास आते हैं पैसे तो 1-1, 2-2 रुपये करके वो कभी भी चुकता कर सकते हैं। और इस बैंक को चलाने के लिए हमने कुछ फाउंडर मेंबर बनाए हैं, उसमें हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारीगण और समाज के सीनियर सिटीजन पेंशनर्स लोग शामिल हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये बैंक संचालित होता है। इस बैंक को हमारे हेड गर्ल जो है उसको बैंक मैनेजर नियुक्त किया है, हमारे नगर पुलिस अधीक्षक महोदय ने, वो ही इस बैंक का पूरा लेन देन गतिविधि देखती है। और इस बैंक से भारतीय स्टेट बैंक में इसका जो है लेखा जोखा है, तो यहाँ का अमाउंट वहाँ भी जमा करने जाना पड़ता है।